मैं किसी चैनल को बाइट भी दे रहा था और मैंने ओवैसी साहब को काफी समझाने की कोशिश की कि पार्लियामेंट में आपका रुख कुछ होता है, आपकी लैंग्वेज कुछ होती है। आप जब एक एक रैली में जाते हैं, जब 1,000, 2,000, 5,000 लोग आपके सामने हैं, तो आपका अंदाजे बयां क्यों चेंज हो जाता है, क्यों इतना, मैं तो कहूंगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। ये हम लोगों को देखिए समझने की जरूरत है कि हमारे लीडरान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, आखिर ऐसी राजनीति में पढ़ना क्यों चाहते हैं? क्या यही इनका ब्रेड एंड बटर हो गया है? क्या ऐसे दिन का हमको इंतजार करना पड़ेगा कि पब्लिक में से ही कुछ लोग प्रोटेस्ट करेंगे इनके खिलाफ, जो कि पॉसिबल नहीं दिखता है, क्योंकि ये जो लीडर्स हैं, दोनों तरफ के लोग अपने गुंडों के साथ घूमते हैं, अपने ऐसे साइकोफेंट्स के साथ घूमते हैं जो हो सकता है उनको प्रोटेक्शन देते हो। और अगर से फॉर एग्जाम्पल आप या हम ऐसी किसी रैली में हो और हमारा लीडर ऐसी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल या एंटी सोशल बात करता है, तो क्या हम इतने असमर्थ हैं उनको पिन पॉइंट करने में कि भाई आप जो बोल रहे हो वो गलत है और उनके लोग हम पे टूट पड़ेंगे, हमको मारेंगे, हमारे साथ वायलेंट हो जाएंगे? क्या ये फैक्टर है कि हमारा यूथ, क्योंकि हम भी देखिए अंबर, आप भी मिलती होंगी हमारे यूथ से, हम मैं भी मिलता हूं, उनका ये रुझान नहीं है, उनकी ये मंशा नहीं है, उनकी ये सोच नहीं है, इतना रेडिकल है। आम आदमी उसका रुझान ऐसा नहीं है, उसकी मानसिकता इस तरह की नहीं है। तो आखिर ये नेता आखिर कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? हमने देखा इससे पहले हिजाब विवाद इतना बड़ा बना, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई भी हुई, और कर्नाटका हिजाब में मामले में जो कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला था उसको लेकर, और फिर इस तरह की चीजें सरतन से जुदा। आखिर भारत में इस तरह की चीजों की जगह आपको दिखती है, जिस तरह की चीजें भारत में लागू करने की कोशिश की जा रही है? अंबर, हमको द राइट वॉइसिस को सामने लाना होगा, मेरा ये समझना है। जहां तक कि सर तन से जुदा की बात है, देखिए नुपुर शर्मा के एपिसोड के ऊपर जो भी घटना हुई, मेरा फेस ऑफ हुआ नुपुर शर्मा के साथ में, बड़ा अच्छा दूरदर्शन पे बहुत सार्थक हमारी बातचीत हुई। नुपुर शर्मा मुझसे जानना चाहती थी, वो मिलना चाहती थी किसी सीनियर क्लैरिक से। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं गलत कहाँ हूँ। मैंने उनको मोहम्मद इन कुरान का हवाला दिया, जो किताब डॉक्टर रफीक जकरिया ने लिखी थी, इन रिप्लाई टू दी सेटेनिक वर्सेस सलमान रश्दी की। उसके बाद में अभी हमने देखा सलमान रश्दी पे भी अटैक हो गया। तो देखिए मैंने बहुत सारे चैनल्स पे ये बात कही, मैं कुछ काम भी कर रहा हूँ, राइटिंग्स कर रहा हूँ, कुछ वीडियोस भी सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वक्त नहीं मिलता है मुझे। हमको इस चीज को हमारे लोगों के सामने लाना होगी कि आज के वक्त में, और 1980s जब सैटेनिक वर्सेस सलमान रश्दी ने लिखी, उसमें बहुत वक्त गुजर गया है, ये सोशल मीडिया का जमाना है। नुपुर शर्मा जैसे एपिसोड होते रहेंगे। बेंगलोर में हमने देखा, क्या नाम है वो बीजेपी की लीडर का जिनका अरेस्ट हुआ, बेंगलोर में या कहाँ हुआ था वो, कर्नाटक जीपी में राजा कहीं हुआ था सिंह, ना, जी, हाँ, पी टी राजा राजा सिंह, सिंह का एपिसोड हुआ। तो देखिए हमको सबसे पहले तो इस चीज को समझना होगा कि हम इन चीजों को फुल स्टॉप नहीं लगा पाएंगे। अगर हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद को लेके, हमारे देवी देवताओं को लेके, हमारे डेटीज को देखिए लेकर, जैसे कि काली का एपिसोड भी हुआ, माता काली का, हमको टच ही होना बंद करना पड़ेगा, हमको ओवर सेंसिटिव होना बंद होना पड़ेगा, हमको इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव अगर हम हो जाएंगे तो हम तड़पाए जाएंगे, सताए जाएंगे। जब अच्छा, कभी ऐसा एपिसोड सामने आता है इसी को अंबर, प्रॉफिट, लेकर जी मेरा सवाल रहेगा। अच्छा, जी जी आप पहले जी पूरा कर लीजिए, फिर मैं सवाल जी करूंगी। मैं पूरा कर लेता हूं। प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर अगर कोई ऐसी शरारत होती है अंबर, जिस तरह से मैं कह रहा था कि आ, 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 वो जानना चाहती थी, नुपुर बिल्कुल शर्मा जानना चाहती थी कि मैं गलत कहा हूं, मैंने उनको अच्छी तरह समझाया, वो समझ गई। मैंने कहा कि आपने जो हवाला दिया था एक हदीस का, वो जयीफ हदीस है, लॉन्ग बैक उसको निकाल दिया गया है। अब क्योंकि दीन इस्लाम के अंदर कोई ऐसा ऐसा जिस तरह से चर्च है, जिस तरह से क्रिश्चियन धर्म के अंदर पूरा के पूरा एक ढांचा है उनका, उस तरह से दीन इस्लाम के अंदर हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम जब कोई चीज को निकाल देते हैं, उसको एलिमिनेट करके, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम अमेंड करते हैं,
हमारे पास कोई ऐसा ढांचा नहीं है, इसीलिए ये चीजें सामने नहीं आती हैं, सिर्फ वो शूरा के अंदर ये चीजें रह जाती हैं, एक्सेसिस जो हमारे अंदर है उन लोगों को इन चीजों का इल्म रहता है, आम लोगों को इन चीजों का पता नहीं चलता है। तो जब तक कि हम दीन इस्लाम के अंदर इन चीजों को उजागर नहीं करेंगे, सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है, बहुत लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। टची होना बंद करें, ओवर सेंसिटिव होना बंद करें। प्रॉफिट मोहम्मद के लिए क्रिटिसिज्म को मैंने इनवाइट किया, और मैंने इनवाइट किया उन तमाम धर्म गुरुओं को, मुसलमानों में भी हिंदुओं में, कि आप आके लोगों को बताएं कि माता काली क्या है। हमारे हमारे जो वो जो ज्ञानवापी की मॉक्स के ऊपर जो इश्यू हुआ था वो क्या है, उसकी सही बात क्या है, लोगों तक पहुंचाएं। टची नहीं हुए, लोगों को मारने का दावा नहीं करें, कोर्ट्स को परेशान ना करें, ओवरलोड ना करें हमारे कोर्ट्स को। धर्म गुरुओं को आना होगा अंबर, इस्लामिक स्कॉलर्स को आगे आना होगा और उनको बताना पड़ेगा कि द एक्चुअल द सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट द स्क्रिप्चर्स आर नॉट बैड, नॉट ऑफ द स्क्रिप्चर्स वेदर दे आर ऑफ हिंदुइज्म और इस्लाम। सवाल ये है कि ऐसे में हम भारत में अगर बात करते हैं तो जो हिंदू देवी देवता रहे उनको लेकर क्रिटिसिज्म और अभद्र भाषा और टिप्पणी चित्रण हमेशा से होता आया है। मुनव्वर फारूकी जिनको लेकर अभी नया विवाद खड़ा हुआ था हैदराबाद से, वो लगातार हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं और अभी भी फ्री घूम रहे हैं। लेकिन एक तो ये है कि हम दूसरों के धर्म का मजाक बनाते हैं और अपने आप को बहुत सेक्युलर और लिबरल समझते हैं, लेकिन जब हमारे धर्म पे आती है तो हम सर्तन से जुदा की बात करने लग जाते हैं। कोई इस्लामिक स्कॉलर, कोई मुसलमान लीडरशिप, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं टेलीविजन पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम सुनेंगे नहीं, हम सर उखाड़ देंगे, तन काट लेंगे और आग लगा देंगे। पॉलिटिकल पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता है, AIIMM के नेता, ये क्या रवैया है, कौन सा मिजाज है, ये किस तरह से लोग भरोसा करेंगे कि इस्लाम शांति का मजहब है। अंबर सबसे पहली बात तो देखिए, मैंने तो कभी नहीं माना कि कोई भी हिंदू लीडर, पॉलिटिकल लीडर पूरे हिंदू समाज को रिप्रेजेंट कर सकता है। उसी तरह से हम लोगों को यह समझना चाहिए कि कोई मुसलमान लीडर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है ना, वो तो गॉन केस है, बियॉन्ड साल्वेज है। वो वोट बैंक के अलावा दूसरा कुछ सोच नहीं सकते, वो सिर्फ आपको लड़ा सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने मुझसे पूछी कि भाई जो अच्छे लोग हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, सबके सब ऐसे नहीं है। देखिए मैं आपको तीन एग्जांपल देना चाहूंगा। मुंबई के अंदर जब कभी ऐसा कोई मामला आता है, जैसे ही हिजाब बैन का मामला आया, कर्नाटक का एपिसोड जो स्कूल कॉलेज का आया, माहिम की दरगाह के ट्रस्ट ने एक ऑल फेथ, उनका पूरा के पूरा एक अच्छा पैनल है, उनको फॉरन ऑल फेथ मीटिंग बुलाते हैं और वो डिक्लेयर कर देते हैं कि मुंबई के अंदर ऐसी कोई घटना होनी नहीं चाहिए। बड़ा कब्रिस्तान और जामे मस्जिद जो मुंबई के अंदर मरीन लाइंस में सिचुएटेड है, वो फॉरन कदम उठाते हैं, सारे के सारे लोगों को समझा देते हैं कि भाई दिस इज द प्रॉपर पर्सपेक्टिव और पॉलिटिकल इश्यूज में ना पड़े। हमारे जो मीनारा मस्जिद के इमाम है, उन्होंने पहले फ्राइडे का जो वायलेंस हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ, एकदम अचानक था, दूसरे फ्राइडे को हमको बता दिया कि भाई देखो जोश में आके होश ना गवाओ। अभी कल के टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं आपको बात बताऊं, हमारा इस्लाम जिमखाना जो है मरीन ड्राइव के ऊपर, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि आगे आने वाली जो प्रॉफिट मोहम्मद की बर्थडे आ रही है 12 रबीउल अव्वल, उसमें तमाम पूरी सिटीज में वो पहले भी लगाते आए हैं, अभी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे भी वो काम करेंगे और प्रॉफिट मोहम्मद की जितनी भी वो मैसेजेस हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को उजागर करती हो, जो सारे के सारे क्रिश्चियंस, ज्यूज और मुस्लिम्स के अंदर जितनी एकता वाली बातें हैं उनको उजागर करने का उन्होंने एक पूरी की पूरी कैंपेन चलाने वाले। अच्छा, तो मेरा ये मानना है कि ऐसे लोग सामने आ रही है। बिल्कुल आपने सही बात कही है। हम सब जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान से उनका एक अलग लगाव था, मोहब्बत करते थे। लेकिन जब हम बात करते हैं आजकल जो हमारे तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनसे बात करो कि इस तरह की जो स्थिति उन्माद फैल रहा है,
आप धर्म के नाम पर या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो देश में स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम देश में शांति बनाए रखें? तो वो लोग कहते हैं कि वो ईमान, वो देश किस काम का जहां हमारा ईमान खतरे में आ जाए। तो क्या इस तरह की इस्लाम में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कोई जगह नहीं है? सबको मतलब कोई क्रिटिसिज्म, कोई उसका कोई स्पेस कहीं नहीं है क्या? अब आप बताइए अंबर, कितनी इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि दीन इस्लाम और कुरान और प्रॉफेट मोहम्मद, वो ये कह रहे हैं कि हम खतरे में। इतनी इतनी सिंपल अगर बात कोई नहीं समझ पाए कि कोई भी धर्म या कोई भी मजहब या दीन इस्लाम को ले लीजिए, वो आपकी रक्षा करता है, आप उसकी रक्षा के लिए कोई दावा नहीं कर सकते हैं। धर्म की रक्षा इंसान नहीं कर सकता है, इंसान की रक्षा के लिए धर्म आए हैं। और दीन इस्लाम की बात जो कि रिवील्ड आप कहते हैं कि इसको इसको रिलीजन है, इसमें आप उन चीजों को सामने लाना क्यों पसंद नहीं करते हैं जहां पर प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह ताला ने वॉर्न किया है कई आयतों के अंदर कि यू आर माय मैसेंजर, जस्ट मैसेंजर, यू डू नॉट हैव टू क्रिएट एनी एनमिटी इफ योर मैसेज इज नॉट अधेर्ड टू। अगर आपकी मैसेज कोई सुनने से इनकार करता है, अगर दीन इस्लाम मानने से कोई इनकार करता है, तो आप दुश्मनी मोल नहीं लेना, आप उनके साथ में पर्सनल मैटर्स को सेटल नहीं करने लगना। आपका सिर्फ पैगाम, मेरी मैसेज पहुंचाना है। उसके बाद में अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो क्या गलत करते हैं, क्या सही करते हैं, ऑन द डे ऑफ जजमेंट God, Allah will be the deciding factor. तो जब प्रॉफिट मोहम्मद को सेटल नहीं करने बोला है इस कोर्स, दुश्मनी मोलने नहीं, नहीं कहा है, सिर्फ एज अ मैसेंजर उनकी उनकी हैसियत को सीमित कर दिया है, तो ये पॉलिटिकल लीडर्स या इस्लामिक स्कॉलर्स या इवन myself कौन होते हैं? ये दावा करने वाले शर्त शर्त से जुदा। अरे भाई, आपने इस्लाम की मैसेज दे दी, अगर सलमान रश्दी उसको एक्सेप्ट करता है तो सुभान अल्लाह, अगर नहीं करता है तस्लीमा नसरीन, तो वो डे ऑफ जजमेंट में अल्लाह उनके साथ में निपटेंगे ना। वी डोंट हैव टू पिक अप द स्टोन। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये तो खुद ही फैसला करना चाहते हैं ना, सरदान से जुदा करेंगे इंस्टेंटली, और दूसरे के पे जब कार्रवाई की बात आती है तो कहते हैं संवैधानिक कार्रवाई कर लो। तो ये जो दोहरा रवैया है तो हम देखते रहते हैं। लेकिन अधिक रहमान साहब, एक सवाल ये है जो पूरा पिछले कई महीनों से जो पूरा एपिसोड चला है, इसमें एक बड़ा सवाल उठ कर आ रहा है कि जितने भी इस्लामिक इदारे हैं या एक पूरा सिस्टम है, उनको ब्लास्फेमी पर लेकर एक बड़ा अपना एक स्टैंड क्लियर करने की जरूरत है या उसको रिडिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि इसका बड़ा मिसयूज हो रहा है और एक के बाद एक इंसिडेंट होते आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस पर, किस तरह कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, अभी कुछ महीनों पहले की बात है कि कुछ हमारे जो क्लेरिक्स हैं, इन लोगों ने एक पिटीशन तैयार किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने के लिए कि देयर शुड बी अ ब्लास्फेमी लॉ, और जितने भी हमारे राइट माइंडेड लिबरल सेक्युलर मुस्लिम्स हैं, सेक्युलर वर्ड कर अब आजकल इस्तेमाल करना भी डर लगने लगा है, क्योंकि वो लोग उसको बहुत ज्यादा लोग बहुत नेगेटिवली भी लेने लगे हैं।